हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन साइड आज हम बात करने वाले हैं एल जी के फाइलास के बारे में सैनोफाइटा फाउंड ऑन द मोस्ट सॉयल एंड द रोड फ्रेश वाटर एंड इन सेलैन वाटर ये इसकी आक्रंसा है जहाँ जहाँ इसका हैबिटेट है सैनोफाइटा का यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं कलोनियल भी हो सकते हैं इन नेचर प्लास्टिर नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रीमेटिव फाइकोसाइनिन इज चीफ पिगमेंट साइनोफाइटा के अंदर चीफ पिगमेंट कौन सा है फाइकोसाइनिन तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है या एम सी आ सकता है कि साइटोफाइटा के अंदर जो चीफ पिगमेंट इज डैश तो आपको पता बना चाहिए फाइकोसाइनिन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रजेटेड सेल्स आर एबसेंट फ्लैजेला भी नहीं होता और सेक्चुअली रिप्रोडक्शन भी साइनोफाइटा में नहीं होती प्रेजेंस रिजर्व फूड इज इस ग्लाइकोजन रिजर्व फूड इसके अंदर क्या है ग्लाइकोजन इसके एग्जांपल में हमारे पास ओसिलेटोरिया एंड नोस्टो आता है इसके अंदर से जो मेजर बातें थी याद रखने वाली वो ये हैं कि यूनिसेलुलर भी होते हैं और कोलोनियल भी होते हैं प्लास्टिड जिनके वेल डिफाइंड नहीं होते फाइकोसाइन इनका मेजर पिगमेंट है सेक्चुअली रिप्रोडक्शन और फ्लैजिलेटेड सेल्स एबसेंट है नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिलियोफाइटा की बेसिलियोफाइटा काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया जाता है एल जी की कैटेगरी में से फाइला में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइला है इट बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा यूनीलुलर है इक्वेटिक है और हम इनको डाई आइटम्स भी कहते हैं और ये कॉलोनीज के फॉर्म में भी रहते हैं यूनी भी होते हैं और कॉलोनीज भी बना के रहते हैं डाय आइटम्स आर अमंग मोस्ट टाइप्स ऑफ फाइटो प्लैंगटॉन फाइटो प्लेंगटॉन बेसिकली हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं फाइटो प्लान फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर होते हैं फाइटोप्लैंग टॉन जो अपना खाना खुद बनाते हैं और सरफे ऑफ वाटर पर रहते हैं अकस इन द फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर एंड मॉइस्ट वेजिटेटिव लैंड जनरली फाउंड इन द टू शेप्स सेंट्रल एंड पेनीट डाई आइटम्स डी प्रोड्यूस ए सक्चुअली इसका मतलब इनमें भी सेक्चुअली प्रोडक्शन एबसेंट है सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका इनकी सेल वॉल किससे मिल बनी होती है सिलिका से सेल वॉल स्ट्रक्चर एपिथिका हाइपोथिका ये इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्सेप्ट है आपको अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ये इंपॉर्टेंट है आपने इसको अच्छे से करना है एपिथिक और हाइपोथिका क्या है एपीथिक और हाइपोथिका बेसिकली इसकी सेल स्ट्रक्चर है इसकी वॉल्स हैं जो बेसीलरी ऑफ या हम इसको डाई आइटम्स भी कह सकते हैं जो डाई आइटम्स के बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसकी सेल कुछ इस तरह से होती है जैसे हम अगर पेट्री डिश की बात करें या किसी भी जार की किसी भी लंच बॉक्स की अगर उसका ढक्कन ये साइज़ है नीचे लंच का और ऊपर उसका कैप इस तरह से उसके ऊपर फिट होता है मतलब एक तो होता है ना कैप बिल्कुल उसके साइज़ का हो और उससे बड़ा होकर उसके ऊपर आए तो इसको हम कहेंगे कि ये बेस जीडरी या डाई आइटम डा में इस तरह का सेल्फर का स्ट्रक्चर है और ऊपर वाला जो पार्ट uh, है उसको हम क्या कहते हैं एपिथिका और जो नीचे वाली लेड है उसको हम केंगे हाइपोथिका और ये जो बीच में इन दोनों के जो एरिया जहाँ पे ये कंबाइन हो रहा है उसको बोलते हैं गेडल तो एपिथिका और हाइपोथिका का क्या कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया है ऊपर वाली जो लेड है उसको हम कहेंगे एपथिका नीचे वाली को हाइपोथिका और ये बेसिकली आउटर स्ट्रक्चर है किसका डाई आइटम्स का इन ग्रुप्स इसका कलर किस तरह का होता है ग्रुप्स गोल्डन गोल्डनिंग कलर लार्ज ग्रुप्स होंगे तो डीप ब्राउन इन कलर और अगर ये ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं होते हैं फॉर्म में होते हैं तो ये कलर होते हैं रेजिस्टेंट टू बॉडी डिकम्पोजिशन ये बहुत इंटरेस्टिंग एक बीच में फैक्ट है डाई आइटम्स का कि डाई आइटम्स डिकम्पोज नहीं होते ये रेजिस्टेंट होते हैं डिकम्पोजिशन के फायो फाइटा को हम ब्राउन एल भी कहते हैं ये भी आपके पास एम सी को शॉर्ट आ सकता है इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे शॉर्ट्स और आंसर सी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्जाम्स में जरूर आएंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने इस वीडियो के अभी तक जरूर देखना है ब्राउन एल आपको इस तरह एम सी आ सकता है कि फायर फाइटा इज ऑस्टो नॉन एज ब्राउन एल या विच जी इज़ नॉन एज ब्राउन एल तो आपने बताया फायो फाइटा फाइला के जितने भी एल हैं उनको हम ब्राउन एल कहते हैं Belongs to class 5 of found in marine. They are multicellular. The color depends on the ratio of the chlorophyll and fucoxanthin. Okay? This multicellular and the color is chlorophyll and fucoxanthin content? For example is ectocarpus and fucus. The size varies greatly from few centimeters to 100 meters. They are filamentous and branched. Filamentous means thread-like or branched. The plant body is thallus. They have roots-like structure called holdfast. They prevent algae from being flown away by water. रोटो के अंदर एक होल्ड फास्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ दिस वन होल्ड फास्ट बेसिकली एक ऐसे स्ट्रक्चर है अगर यहाँ पे मैं डाई आइटम्स की एक पिक्चर बनाऊँ इधर तो अगर ये एक डाई आइटम है तो इसके नीचे ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है फुट लाइक स्ट्रक्चर कह लें रूट लाइक स्ट्रक्चर कह लें ये वो स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है ब्राउन uh, एल को uh, बहने से जब किसी भी रॉक के ऊपर किसी भी सरफेस के ऊपर uh, बनती है ब्राउन एल तो अगर उसके नीचे वो स्टिक वो नहीं होंगे रूट्स नहीं होंगे या होल्ड फास्ट जिसको हम बोलते हैं वो नहीं होगा तो जब पानी का तेज प्रेशर आएगा तो वो बह जाएगी ब्राउन एल तो ब्राउन एल को अपनी जगह रिटेन रखने के लिए होल्ड फास्ट की मदद लेनी पड़ती है उसके बाद है हमारे पास कॉन्सेप्ट न्यू मेटोसिस्ट न्यू मेटोसिस्ट क्या है गैस फील्ड ब्लेडर्स प्रोवाइड बाई ओनसी ब्राउन uh, एल के अंदर एक ऐसा um, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं न्यू मेटोसिस्ट क्या कहते हैं न्यू मेटोसिस्ट ब्राउन एल में न्यू मेटोसिस्ट है जिसका फंक्शन क्या है जस्ट लाइक फिशिज़ फ़िशज के अंदर भी जो ब्लेडर हैं वो उनको बायोनसी प्रोवाइड करते हैं उनको हेल्प करते हैं ताकि पानी के ऊपर फ्लोट कर सकें और डूबे ना बहे ना अपना स्टे रखें तो उसी तरह न्यू मेटोसिस्ट भी फ्योफाइटा को हेल्प करता है वेजिटेरियन रिप्रोडक्शन इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली रिप्रोडक्शन इज़ बाय मोटाइल यूज फॉर हैव टू अन एकवल फ्लैजिलार रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन में बी बू गैमस आइसो और एनआईसो गैमस वेजिटिव रिपोर्डक्शन किसके थ्रू होती है बाय फ्रेगमेंटेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेक्चुअल रिपोडक्शन और सेक्चुअल रिपोडक्शन के बारे में डिटेल में एक वीडियो में बताया आप उस वीडियो में जाकर अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आ रही है आप वहाँ जाकर इस उस वीडियो का जरूर देखें और ये टर्म अच्छे से अंडरस्टैंड करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन बड़ा सा एक उसकी बॉडी है एल जी की जब वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए और वो एक फ्रेगमेंट जो है वो अलग से एक नया एल जी बन जाए तो उसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन ए सेक्चुअली प्रोडक्शन बाई मीन्स ऑफ मोटाइल जूसपोर्स जूसपोर्स की उसने कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई है कि उन दोनों के अंदर कहूंगा अन एकक्वल फ्लैजिला दो फ्लैजिला होंगे और वो क्या होंगे अन इक्वल एक छोटा फ्लैजिला होगा एक बड़ा फ्लैजिला होगा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बाई ओ गैमस आई गैमस एंड एन आई गैमस मैंने ये बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में समझाया आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी आप जाकर इनको स्टडी करें कि ये सेक्चुअली प्रोडक्शन बाई मीन्स ऑफ दीस क्या है इसके एग्जाम्पल में है लेमिनेरिया इज रिच इन आयोडीन यूज टू ट्रीट गोइटर फायोफाइडा का एक जो मेंबर है उसका नाम है लेमिनेरिया और लेमिनेरिया किस लिए यूज़ होता है ये एक एम सी क्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि डैश एल जी इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग ग्वेटर कौन सा एल जी है जो यूज़ होता है गएटर को ट्रीट करने के लिए लेमिनेरिया क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है आयोडीन तो ये भी आपने याद रखना है इस एक पैराग्राफ में से ही मैंने इसमें पैराग्राफ वही लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो इसमें से ही आपके चार से पाँच एम सी क्यूज़ बन जाएंगे फिर उसके बाद हम बात करते हैं रोडोफाइटा की रोडोफाइटा को हम रेड एल जी कहते हैं फायोफाइटा को हम ब्राउन एल कहते हैं और रोडोफाइटा को रोडोफाइटा आर से स्टार्ट हो रहा है और ये भी रेड एल है तो आप आर और आर से ये याद रख सकते हैं इट हैज़ टू क्लासेज फ्लोर बेंगियोफाइसी। 99% नाइन परसेंट ऑफ द रेड एल जी बिलोंग्स टू दैम इसका मतलब ज़्यादा जो है वो इन दो क्लासेस पे ही रोडोफाइटर डिपेंड करेंगे क्योंकि नाइनटी नाइन परसेंट इज अग रेशो। ये दे आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल ए फाइकोसाइनिन एंड फाइकोरिथरिन आपको ये भी पूछा जा सकता है रोडोफाइटर रेड में कलर में क्यों होते हैं तो दीज आर रेड बिकॉज ऑफ दीज कलर्स लेक ऑफ एंड सेंट्रियोल शो बोथ बायफेसिक एंड ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल स्टोर फूड एज टार्ज ये किस फॉर्म में फूड स्टोरे होते हैं स्टार्च की फॉर्म स्टार्च की फॉर्म में सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑर्गेनकॉल प्रोकार्पल रिप्रोडक्शन प्रोड़। इज मोनोस्पोर्स तो ये हमारे पास सारी जो वो टाइप्स हैं या सॉरी करेक्टरस्टिक्स हैं ये किसकी हैं रोडोफाइटा की है? क्लोरोफाइटा क्लोरोफाइटा वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वेटिक एंड ट्रिस्टियल हैबिटेट ये इक्वेटिक और ट्रिस्टियल दोनों हैबिटेट्स में पाया जाता है अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें फ्रेश वाटर के अंदर जो हमारे पास वो है क्लेमेडोमोनास और वॉलवर्कस यहाँ मैंने उनकी लोकेशन और उनकी हैबिटेट के मुताबिक आगे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं सम फर्ज रॉक के अंदर हमारे पास क्लेडोफोरा उगोनियम है सी वाटर के अंदर हमारे पास एसीटेबुलेरिया ट्रेस्टियल इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास है प्लूरो कोकस और ये सारे क्लोरोफाइटा से बिलोंग करते हैं स्नो में हमारे पास है स्कोटिला पैरासाइटिक एल है फाइलोबियम ये वो सारे एल हैं जो कि वो क्लोरोफाइटा से बिलोंग करते हैं और उनके हैबिटेट्स जो है, हैं वो डिफरेंट हैं क्लोरोफाइटा हैव क्लोरोफिल ए एंड बी विद एसेसरी पेगमेंट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च पैरानाइट आर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट वेर इन शेप कप शेप एनुलर रेटिकुलेट डिस्कोट और जबल लाइक मेरी प्रीवियस एक वीडियो में मैंने क्लोरोप्लास्ट की शेप्स पे विद डायग्राम अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया वो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी आप वो वीडियो भी जरूर जाकर देखें सेलुलोज सेल वॉल किससे बनी होती है सेलोज से जैसे कि जेंथोफाइटा में पैक्टिन से बनी है तो क्लोरोफाइटा में किससे बनी है सेलोज से दे हैव हप्लॉइड लाइफ साइकिल हेप्लॉड लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि इनकी लाइफ साइकिल में दो तरह की जनरेशंस नहीं है हैव सिक्स ऑर्डर्स और इनके ऑर्डर्स कितने हैं टोटल सिक्स तो ये हमने कर लिया क्लोरोफाइटा को एक ओवरव्यू ले लिया तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो से आप फायदा उठा सकें और अगर आप एलजी से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं अगर फिर भी, भी कोई क्वेश्चन या कोई डी है और आप चाहते हैं उस उससे भी वीडियो बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ